नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं XMT न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। आगरा के पिनाहट में आरक्षण की मांग को लेकर निषाद समुदाय सड़कों पर उतर गया। निषाद कश्यप समुदाय के लोगों ने आरक्षण की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर उतर कर पद यात्रा निकाली। समाज के लोगों का आरोप है कि सभी राजनीतिक दल पार्टियां आरक्षण देने का वादा कर समाज का वोट लेती हैं, सरकार बनने के बाद वादे को भूल जाती हैं, जिससे निषाद कश्यप समाज में काफी आक्रोश है। निषाद समाज ने अनुसूचित जाति का आरक्षण जारी करने की मांग की है। निषाद कश्यप समाज के लोगों ने सैकड़ों की संख्या में एकजुट होकर आरक्षण की मांग को लेकर पद यात्रा निकाली। जगह जगह पुलिस फोर्स तैनात रहा। जानकारी के मुताबिक निषाद कश्यप समाज के मसीहा युवा समाज सेवी कुंवर निषाद सर्वदलीय बैनर तले पिनाहट में पहुंचे और नोटा मार्ग पर स्थित लड़वापुरा पर निषाद कश्यप समाज के लोगों ने कुंवर निषाद का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। आरक्षण की मांग को लेकर सोमवार शाम 5 बजे पद यात्रा का शुभारंभ किया गया। निषाद कश्यप समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर पद यात्रा निकाली। पद यात्रा कस्बे बाजार होते हुए चंबल रोड पर स्थित तपती बाबा आश्रम पर बने महाराज गुराज निषाद मंदिर पर पहुंचे। कुंवर निषाद ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार ने निषाद समाज को अनुसूचित जाति में आरक्षण देने की बात कही थी, लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी ने अपना वादा पूरा नहीं किया, जिसके चलते निषाद समाज में आक्रोश व्याप्त है। निषाद कश्यप समाज की एक ही मांग है कि उसका जो आरक्षण जन्मसिद्ध अधिकार है उसे दिया जाए। कुंवर निषाद ने कहा कि आरक्षण की मांग को लेकर पूरे प्रदेश के जिलों में पद यात्रा निकाली जाएगी। समाज सेवी राजा राजपूत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने निषादों की मांग को पूरा नहीं किया तो आगामी चुनाव में बेदखल कर दिया जाएगा। निषादों के हक के लिए गांव से लेकर पूरे प्रदेश व केंद्र तक की लड़ाई लड़ी जाएगी। पद यात्रा में कई संगठन के लोग भी शामिल रहे। आगरा के पिनाहट से नरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। आज पद यात्रा का आयोजन किया गया। सबसे पहले आपको बता दें कि पूरे सभी उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में आयोजित किया जाएगा। इसके जरिए एक संदेश सरकार को दिया जा रहा है, जो एक पुरानी कहावत है कि अंधे और बहरे लोगों तक अपनी बात रखने के लिए कुछ न कुछ हमें धमाके करने पड़ते हैं, तो हमें भी केवल ये करेगा धमाका है प्रत्येक जिले में किया जाएगा, जिससे सरकार तक ये बात पहुँचे के बारे में हम लोग बहुत ही निर्बल और कमजोर हैं और हमारे समाज को आरक्षण की बहुत जरूरत है। केंद्र सरकार को भी विचार करना पड़ेगा। जो हमारे सभी समाज के लोग हैं, सभी इकट्ठे होकर समाज पर रणनीति बनाएंगे। यदि सरकार इस विचार को नहीं मानती है तब इस समाज पर निर्णय लिया जाएगा कि बाकी में हमें करना पड़ेगा। ये सभी लोगों की एकमत राय के अनुसार ही बताएंगे। मेरा नाम कुंवर सिंह निषाद है। मैं निषाद कश्यप यूनियन का एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। हम लोगों ने आज आगरा के पिनाहट में एक पदयात्रा का आयोजन किया है। पदयात्रा का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के निषाद कश्यप समाज को अनुसूचित जाति का आरक्षण दिलाना है। अनुसूचित जाति का आरक्षण हमको पहले से मिला हुआ है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार की निषाद कश्यप विरोधी नीतियों के कारण, उनकी अनदेखी के कारण, उनकी मनमानी के कारण हम लोगों को वो आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हमने यह तय किया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक दिन में एक जिला हम लोग पदयात्रा करेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश के एक एक जिले में, एक एक कस्बे में, एक एक गांव में जाकर निषाद कश्यप समाज में अलग जगाएंगे। और यह तय किया है आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। हमको जो ठोस आश्वासन देगा या जो हमारे आरक्षण के मुद्दे पर हमारे साथ खड़ा होगा, हम उसको वोट देंगे, और जो हमको आरक्षण देने में सक्षम नहीं है, हम उसको वोट नहीं देने वाले हैं। सरकार ने आपकी मांग नहीं मानी तो आगे क्या कदम लेंगे? देखिए, सरकार को यह मांगे माननी चाहिए। सरकार के चुनाव घोषणा पत्र में यह मुद्दा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र का मुद्दा रहा है कि निषाद कश्यप समाज को हमारी सरकार बनने पर हम अनुसूचित जाति का आरक्षण देंगे, लेकिन अब वो अपने वादे से मुकर रहे हैं। यदि वो हमारी मांगों की अनदेखी करते हैं तो हम निश्चित रूप से
सरकार को बनाना जानते हैं तो हम सरकार को बिगाड़ना भी जानते हैं, हटाना भी जानते हैं, वो काम भी करने वाले हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए XMT न्यूज। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें।